नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार किया। आज उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। फ्रांस ने कहा, कश्मीर भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मामला। सरकार इस साल दिसंबर से सभी वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य करेगी। केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा नए कैबिनेट सचिव होंगे। और क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का पहला मैच आज एंटीगा में। समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार कर लिया है। जांच एजेंसी ने उन्हें कल रात नई दिल्ली में जोरबाग स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि चिदंबरम को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें सीबीआई मुख्यालय में रखा गया है और आज उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय से चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद सीबीआई मंगलवार से उनकी तलाश कर रही थी। चिदंबरम ने आईएनएक्स मीडिया मामले में गिरफ्तारी से संरक्षण देने के लिए उच्चतम न्यायालय में अपील की थी, लेकिन उन्हें तत्काल कोई राहत नहीं मिल पाई। चिदंबरम की याचिका पर सुनवाई शुक्रवार को होगी। 305 करोड़ रुपए के आईएनएक्स मीडिया मामले में चिदंबरम की भूमिका की संबंधित जांच एजेंसियां छानबीन कर रही हैं। चिदंबरम पर आरोप है कि यूपीए के पहले कार्यकाल के दौरान आईएनएक्स मीडिया को फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने विदेशी निवेश के लिए दी थी। मई 2017 को सबसे पहले सीबीआई ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसमें अनियमितता का आरोप लगाया गया है। पिछले साल प्रवर्तन निदेशालय ने भी इस संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। श्री मोदी पहले चरण में पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात करेंगे और व्यापार, सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, आतंकवाद से निपटने और भारत प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग के मुद्दों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। वे फ्रांस के प्रधानमंत्री एडवर्ड चार्ल्स फिलिप से भी भेंट करेंगे। श्री मोदी पेरिस में यूनेस्को मुख्यालय में भारतीय समुदाय के एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी से बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने बताया, इस वार्तालाप के दौरान रक्षा का क्षेत्र है, अंतरिक्ष का क्षेत्र है, काउंटर टेररिज्म का क्षेत्र है, साइबर का क्षेत्र है, वैश्विक संबंधों में जो नए प्रकार के बदलाव आ रहे हैं, नई चुनौतियां आ रही हैं, उनका क्षेत्र है, मैरीटाइम डोमेन में किस प्रकार भारत फ्रांस की सहभागिता हो उसका क्षेत्र है। ये सभी क्षेत्र जो है एजेंडा पे रहेंगे दोनों लीडर्स के बीच में वार्ता के दौरान। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी मनामा में कृष्णा मंदिर के पुनरुद्वार कार्य की शुरुआत करेंगे। द्विपक्षीय बातचीत से साइबर सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और सूचना प्रौद्योगिकी में संयुक्त विकास परियोजना जैसे सामरिक सहयोग के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मजबूती आएगी। भारत को फ्रांस के बियारिट्ज में होने वाली G7 शिखर बैठक में विशेष सदस्य के रूप में आमंत्रित किया गया है, इसलिए श्री मोदी इस बैठक को संबोधित करेंगे। संयुक्त अरब अमीरात में प्रधानमंत्री को ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया जाएगा। ये संयुक्त अरब अमीरात का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की इस देश की ये पहली यात्रा होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए फ्रांस से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज। फ्रांस ने कहा है कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मुद्दा है और दोनों देशों को आपस में बातचीत करके इसे सुलझाना चाहिए। एक बयान में फ्रांस के विदेश मंत्री जियां इव लद्रियां ने कहा है कि कश्मीर पर उनके देश की राय स्थिर है और शांति बनाए रखने के लिए भारत और पाकिस्तान को आपसी बातचीत से ही अपने मतभेद हल करने चाहिए। बांग्लादेश ने भी कहा है कि अनुच्छेद 370 को खत्म करना भारत का अंदरूनी मामला है। भारत ने भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से स्पष्ट कहा है कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को खत्म करना भारत का अंदरूनी मामला है और पाकिस्तान को इस सच्चाई को स्वीकार कर लेना चाहिए। इस बीच कश्मीर में प्रतिबंधों में लगातार दी जा रही ढील को देखते हुए 3000 में से कल 774 माध्यमिक विद्यालय दोबारा खुले। घाटी में प्राथमिक विद्यालय सोमवार से ही खुले हुए हैं। सूचना और जनसंपर्क निदेशक सैयद शहरीस असगर ने कहा कि कुछ निजी स्कूल भी खुलने शुरू हो गए हैं।
उन्होंने कहा कि अस्पतालों और बैंकों में भी कामकाज सामान्य रूप से हो रहा है। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की और राज्य में विकास कार्यों के बारे में भी कुछ अहम फैसले लिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने अपने सलाहकारों व मुख्य सचिव के साथ राज्य की कानून व्यवस्था की समीक्षा करने के साथ साथ जमीनी सतह पर विश्वास बहाली की कवायद के तहत चिन्हित कार्यों के लिए प्रत्येक जिले को 5-5 करोड़ रुपए देने के फैसले को मंजूरी प्रदान की। राज्यपाल ने वित्त विभाग के मंडल आयुक्तों को भी 5-5 करोड़ रुपए देने के निर्देश दिए। जिला उपायुक्तों से कहा गया कि वो 14वें वित्त आयोग के तहत केंद्र से मिली 800 करोड़ रुपए की राशि विकास कार्यों पर खर्च करें। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से आरके रैना। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि इस वर्ष दिसंबर से सभी वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य हो जाएंगे। फास्टैग प्रणाली में टोल प्लाजा पर टैक्स का भुगतान पहले ही इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कर दिया जाता है। अब फास्टैग युक्त वाहन सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने टोल प्लाजा पर बनी विशेष लेन से बिना रुके गुजर सकेंगे। नई दिल्ली में अपने मंत्रालय की नई वेबसाइट की शुरुआत करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि अभी तक 52 लाख से अधिक फास्टैग जारी किए जा चुके हैं। केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा नए कैबिनेट सचिव होंगे। वे 30 अगस्त को कार्यभार संभालेंगे और पीके सिन्हा का स्थान लेंगे। गौबा 1982 बैच के झारखंड कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। सरकार ने अजय कुमार को रक्षा सचिव नियुक्त किया है। अजय कुमार 1985 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और वे इस समय रक्षा उत्पादन विभाग में सचिव के रूप में कार्यरत हैं। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि सरकार प्राथमिकता के आधार पर यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि सिंधु जल समझौते के अनुसार भारत को मिलने वाले पानी का हिस्सा पाकिस्तान में बहकर न जाए। मुंबई में पत्रकारों से बात करते हुए जल शक्ति मंत्री ने स्पष्ट किया कि वो संधि को तोड़ने की बात नहीं कर रहे, बल्कि वे केवल पाकिस्तान जाने वाले अतिरिक्त पानी को मोड़ने के बारे में कह रहे हैं। श्री शेखावत ने कहा कि ये अतिरिक्त पानी भारत के किसानों, उद्योगों के साथ ही आम जनता को दिया जा सकेगा। केंद्र ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद पैकेजिंग और लेबलिंग नियम 2008 में संशोधन करते हुए सभी तंबाकू उत्पादों पर नई स्वास्थ्य चेतावनी अधिसूचित की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि नई चेतावनी 1 सितंबर से लागू हो जाएगी। सरकार ने सभी सहकारी दुग्ध संघों के साथ ही निजी डेयरियों से कहा है कि वे इस वर्ष 2 अक्टूबर को गांधी जयंती से अपने यहां प्रयोग किए जाने वाले प्लास्टिक की मात्रा घटाकर आधी कर दें। देश में दूध की उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा करने के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग के सचिव की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में ये जानकारी दी गई। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने अवैध कारोबार के मामलों में सटीक सूचना देने वाले मुखबिरों के लिए 1 करोड़ रुपए तक के पुरस्कार की घोषणा की है। ये पुरस्कार सेबी बोर्ड की कल हुई बैठक में अवैध कारोबार रोकने के स्वीकृत नियमों के अंतर्गत नए सूचना तंत्र के लिए बनाए गए नियमों का एक हिस्सा होगा। भारत नेपाल संयुक्त आयोग की 5वीं बैठक कल काठमांडू में संपन्न हुई। बैठक की सहअध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली ने की। बैठक में आपसी संबंधों के समूचे मुद्दों की समीक्षा की गई। भारत आज अपने शुरुआती विश्व टेस्ट चैंपियनशिप मैच में वेस्टइंडीज से खेलेगा। ये मैच आज भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से एंटीगा के नॉर्थ साउंड में शुरू होगा। आकाशवाणी से मैच का हिंदी और अंग्रेजी में प्रसारण किया जाएगा। इसे राजधानी एफएम रेनबो और अतिरिक्त मीटरों के साथ ही प्रसार भारती के यूट्यूब चैनल पर सुना जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा। धन्यवाद विशाल। आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम की सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी आज के सभी समाचार पत्रों की बड़ी खबर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है 27 घंटे की लुकाछिपी के बाद चिदम्बरम गिरफ्तार। अगले महीने भारत को मिलेगा पहला राफाल लड़ाकू विमान। देशबंधु ने इसे बॉक्स में दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वायुसेना प्रमुख बीएस धनोवा की मौजूदगी में 20 सितंबर को भारतीय वायुसेना को सौंपा जाएगा। 1 सितंबर से लागू होगा नया मोटर वाहन कानून 2019। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर देना पड़ेगा भारी जुर्माना, अमर उजाला सहित कई अखबारों में है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कश्मीर मुद्दे पर एक बार फिर मध्यस्थता की पेशकश को भी समाचार पत्रों ने अहमियत दी है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है कश्मीर पर ट्रंप ने चला धर्म कार्ड। पत्र लिखता है अमरीका को चौधरी नहीं बनने देंगे मोदी, G7 की बैठक में जताएंगे नाराजगी। चंद्रमा की दूसरी कक्षा में दाखिल हुआ चंद्रयान 2 हिंदुस्तान में है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम को आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार किया। आज उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। फ्रांस ने कहा, कश्मीर भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मामला। सरकार इस साल दिसंबर से सभी वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य करेगी। केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा नए कैबिनेट सचिव होंगे। और क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का पहला मैच आज एंटीगा में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।